नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक उपचुनाव के हारे, उनके राजनीतिक विरोधियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हो गए हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो एक के बाद और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा के एक के बाद एक कई नेताओं ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और हमला अब भी जारी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है, उनको आश्रम चले जाने की सलाह दी है। बीजेपी ने कहा है नीतीश कुमार को गवर्नर हाउस जाकर इस्तीफा दे देना चाहिए और आश्रम चले जाना चाहिए, और एक के बाद एक इस तरह के बयान बीजेपी के आते रहे हैं। अब एक बड़ा बयान आया है, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री जो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में, जनता दल यूनाइटेड कोटे से जो सरकार में मंत्री हैं वो जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में जनता दरबार लगाया करते थे, खबर है कि वो नहीं पहुंचे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है मीडिया के डर से जेडीयू के जो मंत्री हैं, जेडीयू कोटे के मंत्री, वो अब जनता दरबार लगाना भी बंद कर दिए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कुढ़नी की सीट पर जीत के बाद एक बड़ा मौका मिला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का। जीत से गदगद है बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमलावर है बीजेपी। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने हमला बोला है, क्या कहा है जरा सुनिए। मीडिया के डर से जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जो तीन तीन मंत्री बैठते थे वह बैठना बंद कर दिए हैं। उसका कारण है कि अब वो मीडिया से फेस नहीं कर सकते हैं। उसका कारण है कि पूरे बिहार में जनता के साथ धोखा, पूरे बिहार में दो नंबर के शराब का उद्योग, बालू का व्यापार और अपराधियों का गठजोड़ और अपराधियों को संरक्षण देना, इस तरह से जो नौकरी कर रहे लोगों को पुनः नियुक्ति पत्र बांटना, बेरोजगारों के साथ धोखा करना, इस तरह से गरीबों को छलने का काम जो जनता दल यूनाइटेड और उसके सरकार के द्वारा जो हो रही थी, जिसके चलते कुढ़नी में भारी हार का सामना करना पड़ा, इसके चलते शर्म से मीडिया का सामना उनके मंत्री नहीं कर पा रहे हैं। जनता जो दरबार में आ रही है वो वापस लौट जा रही है और मंत्री जो है अब माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री सब जनता दरबार को भी फेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां से अब वो लौट जा रहे हैं।